गौरक्षा दल भारतीय किसान यूनियन व आढ़तियों ने आज करनाल केंद्रीय अनाज मंडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रोष प्रकट किया। इस मौके पर युवा नेताओं ने कहा कि किसानों पर हुए दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बारे में जो 10 सितंबर की पिपली रैली के लिए किसान निकले थे, तो वहाँ पे जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई या लाठीचार्ज किया, सैकड़ों किसान घायल हुए हैं, तो इसके विरोध में आज इंद्रिय अनाज मंडी में किसान, आढ़ती, मजदूर और दुकानदार सभी ने रोष व्यक्त किया है और दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला फूंका और जो सैकड़ों किसानों पे कल FIR दर्ज हुई है, तो मैं सरकार से बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ज़्यादा FIR कैंसिल की जाए, वरना ये जो आंदोलन है चला हुआ है ये ज़्यादा से ज़्यादा उग्र रूप धारण करेगा और आने वाली 20 तारीख को जो गुरुनाम सिंह चुनिया वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो एक और रैली हरियाणा में कहीं ना कहीं होगी, वो अभी गुप्त रखी गई है जहाँ पे भी होगी। और इसमें जो मेन रोष युवा का रोष लगाएं तो दुष्यंत के खिलाफ है, क्योंकि जो भी युवा बढ़ चढ़ कर सामने आए थे दुष्यंत को वोट दी थी बीजेपी से तंग आके, और इसने बीजेपी में जाके किसानों के कफन में कील ठोकने का काम किया, और जो आज चुप्पी साधु है इन तीन अध्यादेश के बारे में कुछ भी बोलने को चुप बैठा है, कुछ नहीं बोलता। उसने किसान कमेरा वर्ग की वोट ली थी और हरियाणा में राज कर रहे हैं, और उन्होंने किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया इसकी बहुत निंदा करते हैं। यही खट्टर सरकार है जो आज से 2 महीने पहले लॉकडाउन में किसानों से 5-5 किलो दाने मांगने की अपील करती थी कि सरकार घाटे में है, किसान हमारा साथ दें। किसानों ने बहुत साथ दिया, दाने भी दिए, जो भी दिया, अपनी फसल लेट भी लेके आए मंडी में, पर इन्होंने सारे किसान के सपने चकनाचूर कर दिए हैं और लाठियों से पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से घायल करवाया पीपली के। सारे हरियाणा का किसान जाग चुका है और वो सड़कों पे है। किसान किसानी किसानों के साथ बिल्कुल, आढ़ती, मजदूर, मुनीम, दुकानदार सब हैं। सिविल वर्दी वालों ने भी बहुत जो सिंपल ड्रेस में थे लाठीचार्ज किया। मंत्री को बताना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज ने आप प्रेस बंद हो गए माध्यम से आप वीडियो देखिए, मैं खुद मौके पर था, खुद लाठी के शिकार हुआ हूँ, तो आमने सामने आए जब भी हम जांच कराए सरकार स्पष्ट पहले ही दबा दिया जाता है हमारे को जो लाठी चार्ज की है। मांग करने का अधिकार सबको है, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। जब हम अपनी मांग रखने के लिए कहीं भी एकत्रित होता है, कहीं भी पूछता है, उससे पहले ही हमारे पे लाठी चार्ज कर दी जाती है। ऐसा क्यों है? हमारे को हरियाणा में रहने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार हमने बनाई, हमने भी वोट दिया, हमने भी गवर्नमेंट से अपील की थी, तो सरकार स्पष्ट करे क्या किसान नहीं रहेगा हरियाणा में? अरे कुछ दिन पहले तो बोलती थी, इलेक्शन से पहले वादे करते थे किसान प्रगति करेगा, किसान उन्नति करेगा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, वेयर इज इट गवर्नमेंट, वेर इज गवर्नमेंट? कहाँ है प्रगति, कहाँ है उन्नति? किसान भूखा मर रहा है, किसान खुद रो रहा है, ऊपर से जब मांगने के लिए आ गया था उस पर लाठी चार्ज कर दिया था, पांव से जख्मी होता है वो, घर जा रहे हैं हम अपनी मांग रखने के लिए, हमारे गवर्नमेंट कुछ देगी, लेकिन अगर हम पट्टी बांध के जाते हैं तो क्या कहते हैं हमारे घर, क्या लेके आया तू? तो ये है सरकार का इंसाफ, ऐसे करेगी हमारे साथ इंसाफ? हमारे से वोट लेकर हमारे ही पीठ में छुरा भूंका, खुद को किसान पुत्र बताते थे दूसरे चौटाला, जब कुछ थे नहीं तब तो विधानसभा में ट्रैक्टर लेके पहुंच गए, लेकिन जब किसानों ने उनको कुछ बनाया, कुछ उम्मीद जगाई, विधानसभा में बैठाया उनको कि हमारी मांग रखेंगे, आप खुद चुप्पी साधे हुए हूँ। अरे छोड़ दे ऐसी सरकार को, अगर नहीं चलने दे रही उसकी, किसान मसीहा बनाएंगे उसको, अगर चलानी है किसान ने एक शब्द तो बोल ले, चुप्पी साधे कोई आवाज़ नहीं उठाता, कुछ नहीं बोल रहे किसानों के लिए। अरे ऐसे ही मार दो किसानों को, कुछ महामारी ने मार दिया, कोरोना के नाम पर धोखा हुआ, गेहूँ नहीं बिक रही, अब आगे जीरी आई तो व्यापारी नहीं खरीदते,